कहानी में दारजी को अपनी गलती का एहसास होने वाला है। भाई साहिबा बार बार दारजी से कहती रही कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन दारजी ने साहिबा की बात पर भरोसा नहीं किया। दारजी ने साहिबा को गुनहगार माना और अब हालात हो गए हैं कुछ ऐसे कि पूरे परिवार के सामने साहिबा ने अपनी बेगुनाही फाइनली साबित कर दी है। भाई साहिबा पूरे परिवार के सामने सच ले आई है कि उसने कोई गलती की ही नहीं थी। उसने दारजी के खिलाफ किसी तरह की कोई प्लानिंग की ही नहीं थी। तो आप देखेंगे आगे आने वाले ट्रैक में दारजी सारा सच जान लेने के बाद हाथ जोड़कर पूरे परिवार के सामने साहिबा से माफ़ी मांगेंगे। दारजी सबके सामने साहिबा से हाथ जोड़कर सॉरी कहेंगे और वहां दूसरी तरफ इन सब के बाद अंगद को भी अपने किए पर काफ़ी पछतावा हो रहा होगा। भाई अंगद भी मन ही मन काफ़ी ज़्यादा दुखी हो रहा होगा ये सोचकर कि उसने साहिबा पर भरोसा नहीं किया, उसने साहिबा का विश्वास एक बार फिर से है तोड़ा। अब देखना होगा कहानी किस मोड़ पर जाती है। साहिबा एक बार फिर से सबका दिल जीतने में कामयाब हो पाती है या नहीं।